Good morning, students. Today I will further continue the ninth chapter of Civics. Tawa Matsang. When dams are built or forest areas declare centuries for animals, thousands of people are displaced जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभ्यारण्य घोषित कर दिया जाता है और बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है तो हजारों लोग विस्थापित होते हैं होल विलेज आर अपरूटेड एंड पीपल आर फोर्स टू गो एंड वील न्यू होम्स इस्टार्ट न्यू लिव्स इल्सवेयर पूरे के पूरे गांव के लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं और नए घर बनाने और नई जिंदगी आरंभ करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है मोस्ट ऑफ these पीपल आर poor इन विस्थापितों में से अधिकांश लोग गरीब होते हैं इन अर्बन एरियाज टू बस्तीज इन विच पुअर पीपल लिव और ऑफन अप रूटेड शहरी क्षेत्रों में भी वे बस्तियाँ जहाँ गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है सम ऑफ देम आर रिलोको रीलोकेट टू एरियाज आउटसाइड द सिटी इनमें से कुछ को शहर के बाहरी इलाक़ों में दोबारा बसाया जाता है देअर वर्क एज वेल एज़

शहर के बाहरी इलाकों में दोबारा बसाया जाता है और इस सारी कवायद में न सिर्फ़ हटाए गए लोगों के काम धंधे प्रभावित होते हैं बल्कि शहर में स्थित स्कूलों से दूर हो जाने की वजह से इन बस्तियों के बच्चों की पढ़ाई भी अक्सर गंभीर रूप से प्रभावित होती है दिस डिप्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज़ इज़ ए प्रॉब्लम दैट हैज़ बिकम क्वाइट वाइट स्प्रेड इन आवर कंट्री लोगों और समुदायों का विस्थापन हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है पीपल यूजली कम टूगेदर टू फाइट अगेन आती देर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द कंट्री फाइटिंग फॉर द राइट ऑफ द डिस देश में ऐसे बहुत से संगठन हैं जो विस्थापितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द तवा मत ए फेडरेशन ऑफ फिश वर्कर्स कोऑपरेटिव डिप्लेस्ड फॉरेस्ट डेवलर्स ऑफ द शपुरा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश इस अध्याय में हम तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे जो मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है और सतपुड़ा के जंगलों में से विस्थापित लोगों के लिए या लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है ऑर्गेनाइजिंग इन द महादेव हिल्स ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से वाल, निकलने वाली द तवा फ्लोज बैतूल बिफोर जॉइनिंग द नर्मदा इन होशंगाबाद छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है द तवा डैम बिगन टू बी वेल्ड इन नाइनटीन फिफ्टी एट एंड वॉज कंप्लीटेड इन नाइनटीन सेवेंटी एट तवा पर एक बांध का निर्माण उन्नीस सौ अट्ठावन में आरंभ हुआ था उन्नीस सौ अठहत्तर में पूरा हुआ इट्स इट्स लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल लैंड जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सी कृषि भूमि भी बांध में डूब गई जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे द फॉरेस्ट डेवलपर लेफ्ट विथ नथिंग सम ऑफ द डिसप्लेस्ड पीपल सेटल अराउंड द रिजॉर्वर एंड अपार्ट फ्रॉम देयर आर मीजर फार्म फाउंड ए लिवलीवुड इन फिशिंग दे आर वेरी लिटिल इनमें से कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ किया यह सब करके भी वे बहुत थोड़ा सा कमा पाते थे इन 1994 द गवर्नमेंट गेव द राइट टू फिशिंग इन द तवा रिजर्वर टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स उन्नीस में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया दीज कॉन्ट्रैक्टर्स ड्रॉ द लोकल पीपल अवे एंड गॉड चीप लेबर फ्रॉम आउटसाइड इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को ले आए The contractors began to threaten the villagers who did not want to live by bringing in hoodlums. The villagers stood united and decided that it was time to set up. एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड टू something टू प्रोजेक्ट their राइट्स ठेकेदारों ने गुंडे बुलाकर गांव वालों को धमकियां देना भी आरंभ कर दिया क्योंकि लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे गांव वालों ने एकजुट होकर तय किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया है इस तरह तवा मत संघ नाम के संगठन को बनाया गया द नेवली फॉर्म तवा संघ ऑर्गेनाइज रैलीज एंड चक्का जाम डिमांडिंग देयर राइट्स टू कंटिन्यू ंग फॉर दे एयर लिवलीवुड गठित तवा यानी टीएमएस ने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछलियां पकड़ने का के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए इन रिस्पॉन्स टू दे एयर प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट्स क्रिएटेड ए कमेटी टू एसिस द एशू यह मांग करते हुए चक्का जाम शुरू किया गया उनके प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की The committee recommended the fishing rights be granted to the villagers for their livelihood. In nineteen ninety-six, the Madhya Pradesh government decided to, to the people displaced by the Tawa Dam the fishing rights for the reserve. समिति ने गांव वालों के जीवन यापन के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार देने की अनुशंसा की उन्नीस सौ में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापितों को ही दिया जाए एफ ईयर लीज एग्रीमेंट वाज शाइन टू मंथ्स लेटर ऑन जनवरी टू नाइनटीन नाइन्टी सेवन पीपल फ्राम थर्टी थ्री विलेज ऑफ तवा इस्टार्टड द न्यू ईयर विद द फर्स्ट कैच दो महीने के बाद सरकार ने तोा मतसंग को बांध में मछली पकड़ने के लिए पाँच वर्ष का पट्टा यानी लीज पर देना स्वीकार कर लिया और इस तरह 2 जनवरी उन्नीस को तवा क्षेत्र के 33 गांवों के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ विथ द टी एम्स टी एम एस टेकिंग ओवर द fish workers were able to increase their earnings substantially substantially this was तवा मत संघ के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय में इजाफा दर्ज किया दिस वाज बिकॉज दे सेटअप द कोऑपरेटिव विच वुड बाय द कैच फ्रॉम देम एट ए फेयर प्राइस यह इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने एक सरकारी समित बनाई जो मछली पकड़ी गई जो पकड़ी गई मछलियों की प्रत्येक खेप की उचित कीमत सीधे उन्हें देती द क्रॉप कोऑपरेटिव वुड देन अरेंज टू ट्रांसपोर्ट एंड सेल दिस इन मार्केट्स वेयर दे वुड गेट ए गुड प्राइस यह सरकारी समिति इसके बाद की प्रक्रिया में भी शामिल होती है सारा माल बाजार तक पहुंचाना और वहां भी उचित मूल प्राप्त करना समित का ही काम है दे हैव नाउ विगन टू अर्न दीज टाइम्स मोर देन दे अर्न अर्लियर ये मछुआरे अब पहले की तुलना में तीन गुना ज़्यादा कमाने लगे द टीएमएस हैज आल्सो वीगन गिविंग द फिश वर्कर्स लोन्स फॉर रिपेयर एंड द बाइंग ऑफ न्यू नेट्स तवा मत्संग ने जाल खरीदने और रख रखाव की जरूरत के लिए मछुआरों को ऋण देने की भी व्यवस्था की है बाई मैनेजिंग अर्स ए हायर वेज एज वेल ए प्रसर्विंग द फिश इन द रिजर्वर द टी एम एस हैज शॉन दैट फेन पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन गेट देयर राइट्स टू लेवलीहुड दे कैन बी गुड मैनेजर्स मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ साथ तवा मत्संग ने इस बात की भी व्यवस्था की है कि जलाशय में मछलियों को ठीक ढंग से पलने बढ़ने की स्थितियां मिलें टीएमएस ने सभी के सामने यह सिद्ध कर दिया है कि लोगों को जब आजीविका का अधिकार मिलता है तो वो अपने प्रबंधन के गुणों का परिचय भी देते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज The foundation of all movements for justice and the inspiration for all the poetry and songs on equality is the recognition that all people are equal. न्याय के लिए किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे है, वह मनुष्य की समता का ही होता है एज यू नो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉर्गनाइजेज द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन मूवमेंट एंड स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी इन इंडियन कॉन्टिन्यूसली रेफर टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक देयर पॉइंट अबाउट इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल आप ये जानते हैं कि भारत का संविधान हम सभी को समान मानता है देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलन और संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही क्षमता और न्याय की बात करते हैं द फिश वर्कर्स इन द तवा मत संघ होप दैट द प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बिकम ए रियलिटी थ्रू देयर पार्टिसिपेशन इन द मूवमेंट तवा संघ के मछुआरों की आशा का आभार भी संविधान के प्रावधान की है ही है अपनी बातचीत में लगातार संविधान का जिक्र करने से वे उसे एक ऐसे जीते हुए दस्तावेज की तरह उपयोग कर रहे हैं जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता है थैंक यू